तरह से निकलते हैं, पर यहां केवल आनंद के आंसू हैं। निवृत्त निकुंज देश में विरह व्यथा का प्रश्न नहीं है। यहां पर जब ध्यान में किशोरी का दर्शन हो रहा है तो आनंद के आंसुओं से परिपूरित है। प्रेमाशुपूर्णो हरि ही, क्या अनुभूति है, बोले हमारे वचनों में नहीं आ सकती। वो है के नाप्यद्भुत मूल्य सद्रतिरसानंदेन, रतिरस के आनंद से उनका अंतर उज्जृंभमान है, खिलखिल उठता है। जिस आनंद में वो डूब जाते हैं वो अस्मदादि विषय कीट प्राणियों की न तो चिंतन का विषय है और न वर्णन का विषय है, क्योंकि वहां हमारी गति ही नहीं है। केनाप्यद्भुत मल्ल सद्रतिरसानंदे, अरे आनंद स्वरूप है श्री कृष्ण। भागवतकार मंगलाचरण में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो तापत्रय का विनाश कर देने वाले हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय के जो एकमात्र हेतु हैं, वही श्री कृष्ण आज निजानंद से भी ऊपर किशोरी के ध्यान का आनंद लेते हुए मग्न हो रहे हैं। कौन सा आनंद है, वो लेकिन आप ही हम उसका वचन नहीं कर वर्णन नहीं कर सकते। जब आचार्य चरण नहीं कर सकते, ये अवतारी महापुरुष नहीं कर सकते, तो सामान्य की तो बात ही रह जाती है। सारा भेति सदा हृदय स्फूरत में, आकांक्षा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, ऐसी जो वह राधा हरि की आराध्या मेरे हृदय में स्फुरित हो, जिनकी स्फुरित रहती है उनकी तो बात ही कुछ विलक्षण है। वह राधा मेरे हृदय में स्फुरित हो, कृपा पूर्वक स्फुरित रहने का हेतु भी बता देते। कैसे स्फुरित होगी, बोलिए विद्या पराद्वेक्षा, नामी की अनुभूति के लिए नाम ही आधार है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेख। रूप का दर्शन नहीं हुआ है, नाम तुम्हारे पल्ले पड़ गया है। उस नाम का स्मरण करो, नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, वो रूप को ले आएगा। प्रेम के पथ में नाम रूप लीला और धाम का क्रम विकास उदय का ये है कि पहले नाम आवेगा, फिर रूप आवेगा, फिर लीलाओं का स्मरण होगा, तत्पश्चात नित्य धाम की प्राप्ति है। हम नित्य धाम के बाह्य कलेवर में हैं, धाम के अंतरंग देश में हमारा प्रवेश नहीं है। धाम के अंतरंग स्वरूप का जो वर्णन महानुभावों ने किया, श्री राधिका कृपा बिनु उसको अगम्य बताया। प्रथम जथामति प्रणऊ श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन ने अगम्य। ऐसे ही जैसे सिर्फ श्री परशुराम जी के इस भवन में इनकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे ही श्री वृंदावन किशोरी का धाम है। इसीलिए इसकी संज्ञा श्री धाम है, श्री वन है, श्री किशोरी है, विश्वानंदनी है, श्री राधा है। उनकी इच्छा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना, उनकी रुचि के बिना यहां कोई निवास नहीं पा सकता, इसमें प्रवेश नहीं पा सकता। जिस वृंदावन की बात उपासना के देश में कही जाती है, उपासकों का और रस की उपासना करने वाले रसिक उपासकों का वृंदावन अंतरंग में, उसको हम वाणी देश में पढ़ें देखें, तो वहीं आइए
योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदन ओपी, कालिंदी के तट पर बैठा हुआ जो ध्यान परायण है, योगींद्र जन जिसके पास नहीं पहुंच पाते, अनेकों जगह वर्णन आया। यन्नारदाजी शुकैर गम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञम अत्रास्ति किंचित परमं रहस्यम। आगे जाकर के इसी ग्रंथराज के श्लोक में वर्णन किया, जो नारद आज ब्रह्मा शुक आदि के लिए अगम्य है। कौन? बोले वही योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदन, वही मधुसूदन जो इन सब के लिए अगम्य है। कालिंदी के तट में एक बेतस कुंज में बंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतु हरणैक विज्ञम, उस कृष्ण के भी मन का हरण करने वाला एक रसमय तत्व है यहां, जो श्री कृष्ण जो सबके मन का हरण करता है उसके भी मन का हरण कर लेने वाला वो एक रहस्य है। यहां उसका नाम नहीं लिया, ये वही है जिसको यशाह पद से कहा गया। वैसे तो उसकी बहुविध व्याख्या है, प्रेम सन मधुरोज्वल हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमा वधिर भगवत पूज्यैव कापीशता ईशानीच सची महासुगतन शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधे विसेव्या मम प्रेम सन मधुरोज्वल हृदय। प्रेम जो रस तत्व है उसका मधुर और उज्ज्वल रसमय हृदय वह है श्री राधा, और वह है श्रृंगार लीला कला की विचित्र और परम अवधि। श्रृंगार और उसकी लीलाएं और उसकी कलाएं, उसके विकास, उसका उन्मेष, बात बहुत सूक्ष्म है। श्रृंगार का अर्थ सजावट नहीं है। श्रृंगार का वर्णन करते हुए हमारे श्री भगवत ऋषिदेव जी ने एक जगह वर्णन किया, सुचिता शील स्नेह गति चितवन हास विलास कच गूंथन सीमंत सुख भाल तिलक सुखरास, भाल तिलक सुखरास नयन अंजन अतिशो है बीरी बदन सुदेश चिबुक मुस्कन मन मोह है जावक मेहंदी अंगराग भगवत नित मुदिता ये सो रह श्रृंगार मुखता में वर सुचिता। सुचिता से अर्थ केवल स्नान ही नहीं है, अंतर सुचिता बहिर सुचिता पवित्रता निर्मलता जिसमें केवल पावनम पावनानाम और कुछ नहीं। सुचिता शील, शील कहते हैं चारित्र को जिसमें उत्तमोत्तम चरित्र है, स्नेह और स्नेह की गति प्रेम ही जिसके भीतर लबालब भरा हुआ है, और वह प्रेम जिसकी चितवन से प्रकट होता है। तभी तो किशोरी की एक भ्रुगुटि विलास से प्रियतम की स्थिति भ्रष्टम च पीतम सर्व ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्चितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसे। हास की तो बात ही विलक्षण है। एक पद में चतुरासी वर्णन किया, देखो मई अबला के बल रास, रास मान रस राशि, कहने के लिए तो किशोरी अबला है, नारी जाति अबला कही जाती है, पर इसके बल का भी किसी ने अनुमान किया है कि कितना बल है? सामान्य नारी के पास भी बहुत बड़ा बल है। भगवान श्री कृष्ण ने उस बल को बताया उद्धव को, देखो बलम ने पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम,
यह करोति पदात्कान्तो भूब्रजम्भेण केवलम। मेरी माया का बल देखना चाहो उद्धव, तो स्त्री मई है मेरी माया। इस नारी की भूब्रजम्भण एक भ्रुकुटी विलास, इस भ्रुकुटी विलास ने किसको अपने चरणों में लोटपोट नहीं कर दिया है। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया, इसने सारी दिशाओं को जीत लिया है। ये शिव का लूट, ब्रह्मा का लूट, इस नारद मुनि के परी पिछार, श्रृंगी के मिंगी करडार, इस पारासर के उदर बिदार, इसने सब दिशाओं पर अपनी विजय का डंका फहराया है। अबला तो कही जाती है, पर इसके पास बल बहुत बड़ा है। और किशोरी तो उनकी बात बोले, देखो माई अबला के बलदास, अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपास। जो त्रिलोक विजयी है, जिनके रूप का रूप की कोई था ही नहीं है, रूप की जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा ये दुबिज मुरलीधर अखिल विश्व ब्रह्मांड का विमोहन करने वाला निरखी बंधे उलट पास, स्वामिनी की केश राशि की एक लट पर विथिकित हो गया, बन गया। अब ही पंगु भई मन की गति बिनु उद्यम अनायास। वृषवानु नंदिनी की ओर से न कोई प्रयास है, न कोई उद्यम है इसको वशवर्ती करने का, किंतु ये अपने आप बध गया। तब की कहा कहो जब प्रिय प्रति चाहती भ्रुगुटि विलास। यदि इच्छा पूर्वक अपने भ्रुगुटि का विलास दर्शन करा दें, तब तो फिर अवर्णनीय बात, कह नहीं सकते क्या हो जाए। कच संयमन ब्याज हुज दर्शति मुस्कनि बदन विकास। बिखरी हुई केश राशि को संयमित करने के लिए किशोरी ने अपने अवगुंठन को हटाकर जब कबरी के साथ में उस लट को संयुक्त करना चाहा तो दयापूर्वक, परंतु होगी निर्दयता। अवगुंठन रहित मुखमंडल दर्शन में आया और दोनों भुजाएं उठकर के करकमल जाकर के कबरी के साथ जुड़ गए, एक अनुपम छटा प्रकट हो गई। और बिहारी सत्सई में एक जगह लिखते हैं, काको मन बांधे नहीं जूरो बांधन हारी। ये जूड़ा बांधने वाली किसका मन नहीं बांध लेगी। इसमें कथन में यह है कि एक अनुपम सौंदर्य प्रकट हुआ और प्रियतम विथकित हो गए। तो सखी कहती है, हा हरिवंश अनित रीत हित। अरे इस तत्सुखमय प्रेम के राज्य में भी अन्याय है। प्रेम तो कई प्रकार का है, पर नवनिवृत निकुंज देश में तो केवल तत्सुखमय प्रेम है। किशोरी का जो भी अनुवर्तन है, जो उनकी चर्या है, हंसना है, बोलना है, देखना है, सब प्रियतम के लिए है, उनके सुख के लिए है। और प्रियतम का जो कुछ है सब किशोरी के सुख के लिए है। किंतु यहां तो सुख की जगह दुख की सृष्टि होने लगी। हा हरिवंश अनित रीत हित, अरे कतदार तंत्रास, प्रियतम को ये पीड़ा क्यों दे रही हो। सारांश में अबला की बल राशि, ये अबला श्रृंगार लीला कला की विचित्र और परम अवधि है। श्रृंगार की बात और लीला की और लीला कलाओं की बात जरा विस्तार मानती है। समय कहता है कि रुको, तो रुकेंगे। किशोरी का स्वरूप विशुद्ध श्रृंगारमय, विशुद्ध रसमय है। ये आह्लादनी शक्ति के रूप में भी पुराणों ने इसका वर्णन किया है। राधावल्लभी संप्रदाय के साहित्य में आह्लादनी शक्ति के रूप में नहीं, आह्लादनी माने जो प्रियतम को आह्लाद देती है, इस अर्थ में। और परवर्ती काल में इसका प्रयोग हुआ है। गोस्वामी हरिवंश जी ने कहीं भी आह्लादनी नहीं कहा, उनकी परंपरा में कई पीढ़ियों तक
न किसी संत ने और न किसी आचार्य ने आह्लादिनी कहा। सबसे पहले रूपलाल गोस्वामी ने संबत 1800 के लगभग आह्लादिनी माना, और चाचा वृंदावन दास ने भी आह्लादिनी शब्द का प्रयोग किया। पर अनुसंधान करने पर यह पता चलता है कि आह्लादिनी शक्तिमान के अधीन शक्ति नहीं माना, प्रियतम को आह्लाद आनंद देने वाली जो है उसका नाम आह्लादिनी है। शक्ति शक्तिमान का विचार नहीं किया है। अस्तु, श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि। और सबसे बड़ी बात, भगवत पूज्यव कापीशिता, जिसके ईशत्व की कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती, भगवान भी जिनकी आराधना करता है। भगवान कैसे आराधना करता है ये तो वृत्त साहित्य पढ़िए देखिए, और वही वंदना के रूप में वर्णन कर दिया गया राधा सुधा निधि में। यहां का जो नायक है, स्वामिनी ने जिनको अपना सर्वस्व दिया है, अपना सर्वस्व देने का पात्र स्वीकार किया है, वो है रसघन मोहन मूर्तिम और विचित्र केल महोत्सवोल्लसितम। वो रसघन मोहन मूर्ति है और विचित्र प्रकार की जो रसमयी केली है उनके उल्लास से निरंतर उल्लसित रहता है। कहेंगे वो भगवान है, नहीं 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 नहीं, वो दूरे सृष्टियादि वार्ता। नकलियति मनांग नारदादीन सुभक्तां श्रीमाद श्रीदामादे सुहृद भी न मिलती, न हरदि स्नेह वृद्धिम सुपित्रो किंतु प्रेमैक सीमां परम सुधा सिंधु सारै रगाधाम श्री राधाम एव जानन मधुपति रनिशम कुंज वीथी मुपास्ते। वो सृष्टि की वार्ता से दूर है, विस्मृत हो चुका है, उसके अन्य अन्य विभागों में ये सब होता है। कहने का यहां आशय कि इस निकुंज केली में, निवृत्त निकुंज केली में, इस रस केली में, इस आनंदोल्लास की केली में दूसरे किसी प्रकार के क्षेपक की गुंजाइश नहीं है, ये अपने आप में पूर्णतम विशुद्ध है। जैसे कोटि कोटि मन दुग्ध हो गए, उसमें एक बिंदु जल मिला दो तो शुद्ध नहीं रह जाएगा, जिसमें एक सीकर भी नहीं मिला है अन्य प्रकार का कोई रस, तो वो है वृंदावन का उज्जवल रस, उसकी विचित्र और परम अवधि किशोरी, और उसके आस्वादन की एकमात्र पात्र रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केल महोत्सवोल्लसित, वो राधा चरण बिलोडित होकर के ही प्राप्त करता है। व्यास जी ने लिखा, तम मेरु मोर मुकुट सांचो जब तू चरण बुहारू। किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं प्रियतम कि इस मेरे मयूर पिंच की सत्यता और इसकी सर्वोपरिता तभी सिद्ध होगी जब आपकी चरण धूलि को इस मयूर पंख से मैं साफ करूं, झाड़ू, बुहारू। तो राधा चरण बिलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे मानादि प्रसंग में सभी क्षेत्रों में स्वीकार किया गया। यहां पर प्रियतम भोक्ता बनकर के रस को ग्रहण नहीं करते, प्रियतम याचक बनकर के ग्रहण करते हैं। भोक्ता बनने में तो धृष्टता आती है, अधिकार होता है, स्वकीय नायिका तो बन सकती है, पर श्री किशोरी का स्वरूप नित्य निवृत्त निकुंज में स्वकीय और परकीय दोनों से ऊपर है। भजनदास जी ने अपने एक साखी में कहा है, सुखिया विधि किंकरी सदा परखिया यह दोष विषय आश्रय रति मलिन रस पावे नहीं पोष।
स्वकिया की विधि में प्रेमिका नायिका किंकरी होकर के रह जाती है और परकिया की विधि में अनेक दोष हैं। उसका विषय भी मलिन है, उसका आश्रय भी मलिन है, उसकी रति भी मलिन है। समय तो हो गया है पर प्रसंग ऐसी जगह है कि जहां दो चार मिनट और आपका ले लूंगा। वैसे भी मैं 5 मिनट विलंब से आया हूं। जब गोदावरी के तट पर श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव और राय रामानंद का मिलन हुआ तो वहां पर उपासना संबंधी बड़े अच्छे प्रश्नोत्तर हुए हैं, गौड़ीय ग्रंथों में आप पढ़ें। और श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी महाराज जो दिवंगत हो गए, गोलोकवासी हो गए, उन्होंने भक्त समाज का बड़ा उपकार किया है। चैतन्य चरितावली के 5 भाग लिख करके उन्होंने इस माध्यम से भक्ति का जो विश्लेषण किया है, भक्तों का जो चरित्र प्रस्तुत किया है, अब सांप्रदायिकता के स्तर से ऊपर उठ करके उसको पढ़ें तो आपको अवश्य में एक विलक्षण रस का अनुभव होगा। जब दक्षिण यात्रा में गए हैं महाप्रभु चैतन्य देव पुरी से अपने कुछ भक्तों को, छठे हुए भक्तों को साथ लेकर, तो जाते समय में सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि प्रभो यदि दक्षिण में आप जा रहे हैं तो राय रामानंद से अवश्य मिलिएगा, और जब गोदावरी के तट पर जाकर बैठे, एक पालकी में बैठे हुए और आस पास बहुत सारे लोग बाजे बजते हुए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, एक विशिष्ट महापुरुष आया, गोदावरी को प्रणाम किया, स्नान किया, प्रभु एक पेड़ के नीचे बैठे सब दृश्य देखते रहे और इसके बाद तर्पण आदि सब कृत्य अपना पूर्ण करके जब वो अपनी पालकी में बैठने जा रहे थे तो ही एक वृक्ष के नीचे बैठे एक सन्यासी को देखा तो प्रणाम करने चले आए। वही राय रामानंद थे। प्रणाम नमस्कार के बाद परिचय हुआ, कहा राय राम राय महाशय, जब मैं दक्षिण यात्रा में चला था तो मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य अपने काल के एक विशिष्ट विद्वान और कहना चाहिए सरस्वती के वरप पुत्र थे और राजा भी जिनके शिष्य थे, उन्हीं में भक्ति भाव का स्थापन किया था श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव ने। राय रामानंद से मिलकर के आपको बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। राम राय महाशय, आप कुछ अपने मुख से जो मेरे योग्य सुनने की बात हो कहिए। प्रभु ने प्रश्न किया है, इस मानव देवधारी का प्रथम कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए इसे। का गीता में भगवान ने कहा स्वयसे कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते न। भगवान की आज्ञा है प्रभु कि मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करे और मोक्ष को प्राप्त करे। तो बहुत धन्यता धन्यवाद देते हुए बोले इससे भी आगे कोई बात हो तो कही। तब दास्य भक्ति की ओर, फिर सख्य की ओर, संत, यानी इस तरह से क्रम से बढ़ते बढ़ते और प्रत्येक बार महाप्रभु उनको धन्य धन्य करते चले जा रहे हैं। राय महाशय, मैं शुष्क सन्यासी हूं, पूछने का अधिकार तो मेरा है, आप श्रवण करावेंगे या नहीं मैं नहीं कह सकता, इस सख्य रस से भी आगे कुछ है। तब मधुर रति की बात कही, गोपी प्रीत की बात कहते प्रभु भाव विभोर हो गए। जब फिर सावधान हुए प्रश्न किया, प्रभु राय महाशय इससे भी आगे कोई बात है। तब किशोरी और नंदन नंदन की प्रीति की बात की, परकिया रति की बात करते चले गए और किसी यमुना के तट कुंज में किशोरी का और प्रतीक्षरत श्री कृष्ण श्याम सुंदर का मिलन संबंधी एक प्रसंग कह करके उन्होंने एकदम अपने आप को
असमर्थ प्रकट कर दिया। वहां एक श्लोक कहा है, वाचा सूचित शर्बरी रतिकला प्रागल्भया राधिका ब्रीड़ा कुंचित लोचना ब्रचियन अग्रे सखी नामसौ तद्बक्षोरुह चित्रकेलिमकिरी पांडित्य पारंगता कैशोरम सफली करो तु कलयन कुंजे विहारम हरि। वाचा सूचित सर्वरी, कहीं एकांत में सांकेतिक भाषा में नंद नंदन वृषभान नंदनी के बीच में एक वायदा हो चुका था, अमुक स्थल में अमुक समय में हमारा मिलन होगा। इन फेर दई नथ की मुक्ता उन फेर के फूकी गुलाब कली, कोई समझा कोई नहीं समझा। इन्होंने नथ की मोती को घुमा दिया, उन्होंने गुलाब की कली फेंक दिया, कहां मिलन होगा दोनों समझ गए। वाचा सूचित सर्वरी किसके द्वारा? बोले प्रागल्भया राधिका, जो रस प्रगल्भा है उन श्री राधा वृषभानंदिनी के द्वारा प्रियतम को जो संकेत दिया गया था उस स्थल में, और एक सखी को पथ प्रदर्शन करने वाली साथ में लेकर के उस एकांत देश में मिलन हुआ। वहां क्या हुआ? बक्षोर चित्र के मकरी पांडित्य पारंगता, जो चित्रकला के पारंगत हैं उन प्रियतम ने जिनके श्री अंगों में अपनी तूलिका से अपनी करांगुलियों से चंदन की पत्र रचना की, और इस प्रकार से आगे की बात संकेत में क्या हुआ? बोले कुंज बिहारी नाम को जिन्होंने सार्थक किया, अपनी कैशोरावस्था को जिन्होंने किशोरी के समागम के साथ में सार्थक किया, परिपूर्ण, और वहीं चरणों में गिर पड़े राय रामानंद, प्रभु इससे आगे कोई बात नहीं है, ये प्रक्रिया रति की बात है। वृंदावन के जो नित्य मिलन के उपासक रसिकजन हैं वे प्रक्रिया रति को वरीयता नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि जब बिछुड़े तब हो तो दुख मिलते ही उसराय, या ही मेरस द्वै भय प्रेम कहे क्यों जाए। वियोग में दुख होता है, संयोग में सुख होता है, जब दो हो जाता है ये रस तो इसको हम कैसे रस कहें? रस तो एक रस होना चाहिए, तब क्या हो? बोले तन मन कह बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, और कबू संजोग न मानही देखत भर भर नैन। जहां दो तन भी न्यारे नहीं सह सकते, प्रक्रिया रति का यह दोष बताया कि विषय भी मलिन है आश्रय भी मलिन है। विषय उसको कहते हैं जो ध्येय होता है, चिंतनीय होता है। वृंदावन के निकुंज ऋषि में विषय किशोरी है और आश्रय श्री कृष्ण, नायक आश्रय है और विषय नायिका है। वेदानुसार शास्त्रानुसार जो प्रक्रिया की रति है, परीक्षित ने प्रश्न ही उठाया है, कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्ता साम गुण धियाम कथम। श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा मानकर जानकर के गोपियों ने आराधना प्रीति नहीं की, उनको कांत माना है और उनके अपने पति थे हैं, तावारी माना पति भी पितृ भी भ्रातृ बंधु भी। रास में जब जा रही है तो उनको रोका गया है पतियों के द्वारा, और श्री कृष्ण ने उपदेश भी किया है, ताना पाई यदुहिय तो तुम्हारे बछड़े रो रहे होंगे, तुम्हारे बछड़े ही नहीं तुम्हारे शिशु जिनको तुम बिना दूध पिलाए अपने अंचल का चली आई हो, जाओ ताना पाई यदुहिय तो उनको पिलाओ, उनको प्रसन्न करो। यह अपाई यदुहिय दो क्रियाओं से उनके अपने शिशु और
गो के शिशुओं दोनों की ओर संकेत किया गया है। कहने का तात्पर्य की परकिया रति भागवत में वर्णित है, तो विषय आस्तय रति मलिन रस पावत नहीं पोष। तब एक वर्ग और है, कन्या गण लग चुतरी रूप बैस रति चाह, पुष्टि न पावे मधुर रस समझ गहो मनमा। कन्या नायिका जो होती है उसमें रूप वैस रति और चाहत सबका अभाव है, रूप का पूर्ण विकास नहीं है, वैस आयु भी